गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। हम ये देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या क्या करते हैं। हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, अलग अलग मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, वो हमारी बॉडी में कोई ना कोई उनका काम है, कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड करते हैं, तभी वो हमारी बॉडी में मौजूद हैं और हम उनको अलग अलग फूड से ग्रहण करते हैं, लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आर बॉडी। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें किसी भी चीज़ को करने की क्षमता देते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। अब जो फैट्स हैं वो भी हमें एनर्जी देते हैं, वो भी हमें क्या देते हैं, थोड़ा सा साहस देते हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, थोड़े सा हमें क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं हमें किसी काम को करने के लिए। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो फैट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम सेम अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और सेम अमाउंट के फैट्स खाते हैं तो हमें जो फैट्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जो खाना हमें कार्बोहाइड्रेट्स देता है या फैट्स देता है उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये एक डेफिनेशन बन गई है, एनर्जी गिविंग फूड्स। अब इसके बाद प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब जो प्रोटीन्स हैं वो किसके लिए चाहिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, और अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ को रिपेयर करना है उसके लिए प्रोटीन्स चाहिए। मसल्स की डेवलपमेंट जो है वो प्रोटीन से होती है। अगर हमें कहीं पर लग जाती है तो वो जो मसल वहाँ पर दोबारा से आता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से होता है। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड और ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब इसमें जो डेफिनेशन बनती है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स की। अब बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं, जो हमारी बॉडी को बनाने का काम करती हैं, जो हमारी बाहर से मास है, जो हमारा बिल्ड है वो कहाँ से बनता है, प्रोटीन से। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज एंड विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। अब विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में किस लिए चाहिए होते हैं, ताकि विटामिन्स जो है वो डिजीजेज के अगेंस्ट फाइट कर सकें, हमारी बॉडी डिजीजेज के अगेंस्ट फाइट कर सके, हमें प्रोटेक्ट कर सके डिजीजेज से। और विटामिन्स जो हैं ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आर बॉडी आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। वो क्या करते हैं, हमारी आँखों को, हड्डियों को, हमारे दांतों को, हमारे गम्स को हेल्दी रखते हैं। ओके, अब देखिए कुछ फूड जो हमें दिखाए हुए हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे गन्ना है, वाटरमेलन है, आम है, पपाया है, फिर उसके बाद मक्की है, फिर दालें हैं, फिर सॉरी ये वीट है, बाजरा है, बीट रूट्स हैं, पोटैटो है, ये सब क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट्स आपको देते हैं, जो फैट्स देते हैं आपको। ठीक है, अब इसमें हमें देखिए अलग अलग तरीके से उन्होंने वो कर दिए हैं डिफाइंड, अलग अलग तरीके से आपको डिवाइड कर दिया गया है इनको। कैसे डिवाइड किया है आप देखिए, सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, कुछ प्लांट सोर्सेज, कुछ एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज क्या हैं, सनफ्लावर ऑयल हो गया, आलमंड्स हो गए, काजू हो गया, फिर उसके बाद सोयाबीन हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सब क्या हैं आपके फैट्स के सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज जो आपको फैट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गए, ये सारे आपके एनिमल सोर्सेज हैं जो आपको फैट्स देते हैं। इसके साथ में आप ये देखिए जो दालें हैं, मटर है, वो सब आपको क्या करते हैं, प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, ये आपके प्लांट सोर्सेज हैं जो आपको प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। वहीं एनिमल सोर्सेज जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं वो है मिल्क, एग्स, फिश,
चीज़, पनीर, ठीक है, ये सब आपको प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, और मीट। अब इसके बाद हम विटामिन्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अब विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब जो विटामिन्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं और वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन। अब इनमें से कोई जो है वो क्या है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड के। ये इनके नाम है, विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के। देर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब कुछ जो है वो विटामिन बी भी हैं जिनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कुछ ग्रुप ऑफ विटामिन हैं उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज। हमारी बॉडी में ये विटामिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी क्वान्टिटीज में चाहिए होती हैं। विटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आईज हेल्दी। जो विटामिन ए है वो हमारी स्किन और हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी की क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बाकी की जो डिजीजेज हैं बहुत सारी डिजीजेज के खिलाफ एक प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, उसके खिलाफ फाइट करता है। विटामिन डी हेल्प्स आर बॉडी यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी बोन्स के लिए और हमारी टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है कि उसे मजबूती मिलती है, ज़्यादा देर तक वो ड्यूरेबल बन जाते हैं और हमारी जो हड्डियाँ हैं वो ज़्यादा तंदुरुस्त रहती हैं। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन। अब ये फिगर में देखिए, अलग अलग दिखाए हैं उन्होंने विटामिन्स जो हैं, जैसे पपाया है आपका, गाजर है, उसके बाद आपके फिश ऑयल है, मिल्क है, ये क्या है, विटामिन ए के सोर्स हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आपका पालक है, वो भी विटामिन ए का सोर्स है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी दालें होगी, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मीट हो गया, ये विटामिन बी के सोर्स हैं। फिर उसके बाद आपके विटामिन सी के सोर्स टमाटर है, आंवला है, मिर्ची है, फिर उसके बाद नींबू है, ये सारे क्या हैं, विटामिन सी के सोर्स हैं। ओके, मिनरल्स आर नीडिड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। अब मिनरल्स हमारी बॉडी में किस लिए छोटे छोटे अमाउंट्स में चाहिए होता है? ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब सारे मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है मेंटेन रहे, ग्रोथ उसकी प्रॉपर हो और हमारी हेल्थ जो है वो सही रहे। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, और डिफरेंट मिनरल्स के कुछ सोर्सेज भी दिए गए हैं, देखिए, जैसे आयोडीन है आपका, नमक से मिलता है, पालक से मिलता है, मच्छी से मिलता है, फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आयोडीन आपको मिलता है। फिर उसके बाद मिल्क हो गया, आपका बनाना हो गया, ये सब आपके फास्फोरस को आपकी बॉडी में प्रोवाइड करता है। फास्फोरस भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है। अब आयरन जो है वो हमारी बॉडी में पालक से आता है, एप्पल से आता है, फिर उसके बाद पियर से आता है, ठीक है, नाशपाती जो होता है, ठीक है, आयरन, आयरन के रिच सोर्स हैं ये। फिर उसके बाद मिल्क है, एग है, ये आपके कैल्शियम का सोर्स है। ओके, अब मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अब जो मोस्टली जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं या होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। आपने जो बाकी वाली ऑब्जर्वेशंस देखी होंगी उसमें आपने देखा, जब आप रिकॉर्ड भी कर रहे थे, ये जो टेबल आपको होमवर्क दिया गया था, जब आपने इसको रिकॉर्ड किया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज भी होते हैं, ज़्यादा सोर्स न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो एक ही जो फूड है वो देखना, मिल्क जैसे है उसमें कैल्शियम भी है, उसमें आपका फास्फोरस भी है,
उसमें आपके विटामिन्स भी हैं, उसमें आपका प्रोटीन्स भी हैं, उसमें आपके फैट्स भी हैं, तो वो सारी चीज़ों का सोर्स है। तो कुछ ऐसा खाना होगा, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होंगे जिनमें कि आपको एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. हाँ, अगर आपको कोई एक रॉ मटेरियल दिया गया है कोई भी खाने का, हो सकता है कि उसमें जो एक न्यूट्रिएंट है वो बाकी के मुकाबले ज़्यादा हो। जैसे फिश है आपकी, उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो और बाकी के फैट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, वो कम हो। मिल्क जो है उसमें कैल्शियम ज़्यादा हो और बाकी के प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो कम हो। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो एक किसी भी चीज़ को ये इस तरीके से लेना है कि वो एक न्यूट्रिएंट में ज़्यादा हो, एक न्यूट्रिएंट का ज़्यादा रिच सोर्स हो और बाकी न्यूट्रिएंट्स उसमें कम हो। फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अब जो राइस है, जो चावल हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं और बाकी के न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food. अब इसलिए हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिच सोर्स किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स का। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कार्ब्स भी कहते हैं। अब जो अगर जिम कभी ज्वाइन करोगे बाद में, जब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ी सी एज मतलब 18 के बाद आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप देखोगे कि कार्ब्स इसको बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, और बड़ी जगह कार्ब्स अगर बोल रहे हैं तो उसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर एंड वाटर। अब इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को फाइबर और वाटर भी चाहिए होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, लेकिन कुछ फाइबर भी चाहिए कि चीज़ जो है वो अच्छे से मैश हो सके, अच्छे से मिक्स हो सके, और वाटर भी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर की भी एक मात्रा होती है। डाइट्री फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। जो डाइट्री फाइबर होता है, जिससे हमारी थोड़ा मतलब डाइट अच्छी रहती है, वो जो फाइबर होता है वो क्या होता है, उसको रफेज भी कहते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर बॉडी। ये जो रफेज है, ये हमारी बॉडी में प्लांट प्रोडक्ट से मोस्टली आता है। जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, मेज हो गया, ये सारा रफेज भी प्रोवाइड करता है आपको। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। जो होल ग्रेन्स हैं, आपके पल्सेस हैं, पोटैटोज हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये रफेज के मेन सोर्स हैं। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, बट ये रफेज भी होता है, ओके, जो आपके एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। जो रफेज है वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, लेकिन वो क्या है, आपकी बॉडी को थोड़ा सा फाइबर देते हैं। बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर फूड। वो हमारे खाने का बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, ज़रूरी हिस्सा है। एंड एड टू इट्स बल्क, और हमारी बॉडी के बल्क में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स आर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, हमारा स्टोमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है, उस खाने को बाहर निकालने का काम करते हैं ये। इसी फाइबर के साथ मिक्स होके वो सारा खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो बाहर निकल पाता है। वाटर हेल्प्स आर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब जो पानी है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, और वो बाकी के प्लांट के पार्ट्स को मिल जाता है, वैसे ही जो आपकी बॉडी है वो वाटर के साथ बाकी के न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करती है और उसको एक्सट्रैक्ट कर देती है बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी उसको यूज़ कर सकती है। बट इट इज़ एन एसेंशियल, सॉरी, इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और जो वाटर है वो हमारी बॉडी में वेस्ट निकालने के भी काम आता है, यूरिन के थ्रू और आपके स्वेट के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू, पेशाब और पसीने के थ्रू आपको क्या है,
वो जो वेस्ट है पानी के साथ मिक्स होके बाहर निकल जाता है। कुछ वेस्ट जो आपके पानी के साथ जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो मिक्स होके आपकी बॉडी को मिल जाता है, जो बाकी का बच जाते हैं वेस्ट हो जाता है, जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होती हैं एसिड्स जो होते हैं वो सारे कहाँ से निकल जाते हैं, यूरिन और स्वेट के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। जो नॉर्मली हम पानी पीते हैं, हमारा जो पानी बॉडी को चाहिए होता है वो हम कहाँ से लेते हैं, जो हम लिक्विड्स पीते हैं, जो जूसेस हो गए, मिल्क हो गया, आपका पानी हो गया, वो सारे लिक्विड्स जो हैं वो सोर्स हैं किसके, आपके पानी के, जो आपकी बॉडी को मिलता है, सच एज वाटर, मिल्क, टी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, पानी पीते हैं, ये सब क्या करते हैं, पानी आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। इसके साथ साथ बहुत सारा पका हुआ जो खाना पकाने के लिए जब उसके अंदर पानी डालते हैं वो भी उसके अंदर पानी जो है वो उस यूज़ हो जाता है हमारी बॉडी के थ्रू। लेट्स सी इफ देर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। हम देखते हैं कि अब और कोई भी सोर्स है जो पानी का है जो हमारी बॉडी के अंदर आता है। हम टोमेटो लेते हैं, टमाटर लेते हैं, या फिर एक लेमन ले लेते हैं, कोई भी फ्रूट ले लेते हैं, उसमें देखिए उसको छोटे छोटे पीसीज में आप उसको काटिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। जब आप उसको काट रहे हैं क्या आपके हाथ में कुछ गीला गीला लग जाता है, गीले हो जाते हैं आपके हाथ। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट होम। Do you find any fresh vegetable or fruits that do not contain some amount of water? क्या fresh vegetable या fresh fruits आप देखिए क्या उनके अंदर थोड़ा सा भी पानी आपको नहीं मिलता है? आप कुछ भी crush करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा liquid form में हो जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है। We see that many food materials themselves contain water. बहुत सारे फूड मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर पानी पहले से होता है। To some extent, our body needs are met by this water. कुछ हद तक हमारी बॉडी नीड्स जो हैं वो इस पानी से पूरी हो जाती हैं। Apart from this, we also add water while cooking many food items. हम कुछ पानी भी ऐड करते हैं जब हम खाने को बनाने लगते हैं, कुछ खानों को बनाते हैं तो हम उसके अंदर कुछ पानी भी ऐड करते हैं, तो हमारा पानी वहाँ से भी पूरा आ जाता है। तो आज हम इतना ही रखेंगे बच्चों, इसके बाद आप कुछ डेफिनेशंस जो हैं इसके अंदर लिख लेंगे, कौन कौन से विटामिन्स थे, एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स को फूड कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स क्या करते हैं, विटामिन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, विटामिन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, विटामिन्स के सोर्सेज देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें विटामिन प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद मिनरल्स क्या हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स में क्या क्या मिनरल्स हैं, फाइबर्स क्या हैं, फाइबर्स का क्या महत्व है हमारी बॉडी में, वाटर का क्या महत्व है, वाटर कहाँ कहाँ से हमें मिल जाता है, ओके, ये सारा पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से देख के इसके नोट्स बना के मेरे को सेंड कर देंगे, ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जो समझ में नहीं आएगा आप मेरे को फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।